हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आपके सामने अगला टॉपिक लेके मैं आया हूँ, एचसीएफ और एलसीएम। तो इस वीडियो में हम सारा कुछ देखेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को सॉल्व करना, और मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा और पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरे अच्छे से देखना और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कर दो, ताकि उसका बेनिफिट ये लोग भी उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ का मतलब हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब हो गया फुल फॉर्म उसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ठीक है बच्चों, तो पहला हमारा फैक्टर टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। सो इसमें कुछ आपको मैं समझाने के लिए लिख देता हूं। इफ ए डिवाइड बी, अगर ए बी से डिवाइड होता है। एग्जैक्टली मतलब रिमाइंडर आपका जीरो बचता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं, वी कैन से दैट ए इज फैक्टर ऑफ बी। तो इस चीज को याद रखना दोस्तों, आपका क्या है, तो इफ ए ए इज डिवाइड बाई बी, एग्जैक्टली मतलब अगर ए डिवाइड हो जाता है बी से पूरी तरह से बिना रिमाइंडर बचे, सो वी कैन से दैट ए इज फैक्टर ऑफ बी। तो ए क्या है, बी का फैक्टर है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे थ्री इज फैक्टर ऑफ सिक्स, ठीक है दोस्तों। तो आपका थ्री ये क्या है, ये फैक्टर है, किसका है, तो सिक्स का फैक्टर है, ठीक। अगर आप डिवाइड करोगे थ्री को, सिक्स को डिवाइड करो सॉरी, ऐसे तो दो भार में ये पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। यही चीज आपको समझने के लिए कि इफ थ्री इज फैक्टर, इफ ए इज डिवाइडेड बाय बी, एग्जैक्टली वी कैन से दैट ए इज फैक्टर ऑफ बी, मतलब थ्री इज फैक्टर ऑफ यहाँ सिक्स आ गया। यही चीज आपको समझने है। इसको और एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे फाइव इज फैक्टर ऑफ फिफ्टीन, मतलब आपका क्या, अगर डिवाइड करोगे तो क्या पांच बार में ये पूरा पूरी कट जाएगा और रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो मतलब फाइव इज फैक्टर ऑफ फिफ्टीन, ठीक है। अब आपका रहा मल्टीपल, तो मल्टीपल इसमें क्या है, तो जैसे सिक्स क्या है, ये क्या है, इसका मल्टीपल है ऑफ थ्री, मतलब आपका ये थ्री क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया, और सिक्स क्या हो गया, ये मल्टीपल ऑफ थ्री, मतलब थ्री का टेबल में आपका सिक्स आता है, इसीलिए लिखा है सिक्स क्या है, मल्टीपल ऑफ थ्री, थ्री का मल्टीपल, मल्टीपल मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो थ्री क्या है, मल्टीपल ऑफ सिक्स। अब और एक एग्जांपल, जैसे फिफ्टीन इज मल्टीपल ऑफ थ्री, मतलब थ्री का टेबल में थ्री का गुना करोगे तो आपको फिफ्टीन आएगा, तो यही मल्टीपल हो गया। तो ये दोस्तों फैक्टर हो गया और ये आपको मल्टीपल होगा। इतनी चीज अगर समझ लोगे तो मतलब आपका आपका आधा फंडा क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा सेकेंड टॉपिक है अब एचसीएफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको और नामों से बोल सकते हैं आप, जैसे आपका एचसीएफ की जगह कहीं कहीं आपका क्वेश्चन में रहेगा क्या जीसीडी, आपका जीसीएम ये भी रह सकता है, तो इस चीज पे कंफ्यूज मत होना। एचसीएफ का ही दूसरा नाम आपका जीसीडी है और जीसीएम है, समझ में। तो चलिए अब एचसीएफ किसको बोलते हैं, आपके मन में क्वेश्चन आएगा।
एलसीएफ क्या हो गया कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दो या दो से अधिक नंबर का जो हाईएस्ट ग्रेटेस्ट मतलब वो क्या आपस में डिवाइड हो जाता है पूरा पूरी, तो उसको हम क्या बोलते हैं एचसीएफ। चलिए मैं लिख देता हूं आपके लिए इसका डेफिनेशन, द एचसीएफ ऑफ टू और मोर देन टू नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए मैं रिपीट करता हूं, द एचसीएफ ऑफ टू और मोर देन टू नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। तो एचसीएफ क्या हो गया, दो या दो से अधिक नंबर का जो हाईएस्ट नंबर है वो क्या है आपस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और पूरी पूरी से डिवाइड हो जाता है, मतलब क्या रिमाइंडर आपका जीरो बचता है, इसको बोलते हैं एचसीएफ। तो चलिए दोस्तों इसको आप एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझते हैं कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 108, 360, 600, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो चलिए मैं आपके लिए निकाल देता हूं, तो पहले आपको एचसीएफ 108 का निकालना होगा, तो इसका फैक्टर निकालते हैं। अब 5 टाइम में जाएगा, 4 बार में, फिर 2, 3 से जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 टाइम में और 3। तो ये इतने सारे आपको फैक्टर्स आ गए। आगे बढ़ते हैं, आप निकालते हैं 360 का, 360 का तो पहले 2 से लगा दो, छोटा सा छोटा अंक से लगाओ, अगर 2 से ना लगे तो फिर आगे थोड़ा सा बढ़ो, फिर थोड़ा बढ़ो, जितना छोटा सा उतना अच्छा फैक्टर आपको मिलेगा। तो कितना लगे, 180 बार में, 2 से लग जाएगा आपका 90 बार में, फिर 2 से ही लग जाएगा 45 बार में, फिर आपका 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा, 45, फिर कितने 5, ये आपका फैक्टर हो गया। अब बचा 600 का, इसका भी निकाल लेते हैं, ये 300 बार में, 150, फिर आपका 2 बार 3 से लगा दो आपका, देखिए अब यहां 25 आ गया। अब एक भाई 2 बार में लगेगा नहीं, 3 का टेबल में आता नहीं है, 4 का टेबल, तो आप यहां क्या करोगे 5 के टेबल पर चल जाओ। तो देखा दोस्तों, मैंने यहां पर जैसे नहीं लगा तो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ते गया, तो ये आपके इतने सारे आपको फैक्टर हो गए। ठीक है, अब इसमें दोस्तों मैं देखना वाली बात है, अब इसको देख लो, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, यहां से मैं ऊपर में लिख देता हूं। ठीक है, तो आपका 108 है, कितना आया ये देखो। अब देखो दोस्तों यहां पर क्या है कि सबको लिखना जरूरी नहीं है, समझे, तो जैसे 2 आपका देख रहे हैं यहां पर, 1 बार, 2 बार, 2 बार आया, 3 कितना आया, 1, 2, 3, तो हमको बस शॉर्ट में लिखना थोड़ा सा। ठीक है, तो 2 बाय ऐसे लिख सकते हैं, और आपका 3 कितना है, 3 बार है, 3 को ऊपर 3 पावर कर दो। ठीक है, आप चलिए 360 का, तो कितना है, तो 1, 2, 3, 3 2 है और उसके बाद 3 2 बार है और फिर 5, तो 2 कितना है, 3 बार है, गुना 3 कितना है, 2 बार है और 5। ठीक है, अब 600 का, तो 2 कितना है, 3 बार है, तो 3 पावर लिख दो,
फिर तीन तीन तो सिंगल बार एक ही बार है, इसको लिख ऐसे लिखो, और पांच कितने बार है, दो बार है, ऐसे लिखो। समझ में आया? अब इसमें दोस्तों आपको ये आपको फैक्टर है, इसी को बोलते हैं फैक्टर, ये जो आप निकलेगा ना इसी को बोलते हैं आप फैक्टर, ठीक है। तो अब इसमें दोस्तों आपको देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में है, और कॉमन भी है और आपका क्या बड़ा भी है, बड़ा से बड़ा, लेकिन तीनों में कॉमन होना चाहिए। अच्छा तो देखो यहाँ दो कितना है, दो बार है, यहाँ दो कितना है, तीन बार है, और यहाँ कितना, तीन बार या तीन बार, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं दो को दो बार ले सकते हैं, तो सब में कॉमन आ गया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और फैक्टर भी होना चाहिए, ठीक है। अब तीन दो कितने बार है, यहां तो एक ही बार है, और यहां कितने है, दो बार है, और यहां कितना है, तीन बार है, तो हम लोग एक ले सकते हैं गुना तीन, ऐसे कर दो। यही चीज हम कंफ्यूज मत होना कि हाईएस्ट मैंने इसको क्यों नहीं लिया, इसको इसलिए लिया क्योंकि यहां तीन पावर है, लेकिन यहां पर तो फिर दो ही है ना, यहां पर तो एक ही है ना, तो हमें कॉमन को भी लेके चलना है ना साथ में, तो यही एक तीन पे पावर वन ही जो है, तीन पे पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, तीन पे पावर वन है, ठीक है। तो तीन पे पावर वन, तो ये कॉमन हो गया। अब पांच की बात करते हैं, तो पांच यहां है, पांच यहां है, लेकिन पांच यहां नहीं है, समझ रहे हैं दोस्तों? तो चलिए इस समझ में आ गया यहां तक, तो पांच हमको नहीं लेना होगा, समझ रहे हैं ना? तो पांच ले लेंगे क्योंकि हम पांच यहां यहां है यहां, लेकिन यहां नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, बस यही हमारा आंसर होगा, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ गया टू पावर टू मतलब कितना, फोर, और गुना थ्री मतलब ट्वेल्व। तो ये हमारा क्या निकल गया, एच सी एफ। समझ में आया दोस्तों? तो ये 12 क्या आ गया, एच सी एफ आपका कितना का गया, तो 108, 360 और 600 का, ये एच सी एफ आपका 12 आ गया, ठीक। तो चलिए दोस्तों अगला मेथड हम सीखते हैं, एच सी एफ निकालने का अगला मेथड, तो उसको हम सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द एच सी एफ ऑफ 148 एंड 185, आपको इसका एच सी एफ निकालना है। तो चलिए आप भी कोशिश कीजिए साथ ही साथ, और मैं भी कोशिश कर रहा हूं। तो ये आपको क्या करना है, आपको छोटे अंक को इधर रखना है और बड़े अंक को यहां रखना है, ठीक है। एक बार में लगेगा, दो बार में लगेगा, ज्यादा हो जाएगा, 200 से ज्यादा हो जाएगा, एक बार में लगेगा, तो एक बार में लगा देता हूं। रिमाइंडर कितना बचा, 37, ठीक है। अभी क्या करना है कि ये आपका आ गया, अब यहां पर ये चल जाएगा और ये यहां पे क्वेश्चन में आ जाएगा 148, ठीक है। समझ में आया, ये आपका रिमाइंडर बचा, अब इसको यहां पर ला दिए, अब नेक्स्ट टाइम क्या जो बचेगा फिर इसको यहां ला देंगे ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपका चार बार में डिवाइड लग जाएगा, देखो 7 चौका 28 और 3 चौका 12 13 14, चार बार में डिवाइड लग गया पूरा पूरे, मतलब हमारा क्या हो गया एच सी एफ क्या हो गया 37, ये आपका 37 हो गया आंसर। तो ये हमारा क्या रहा, डिवीजन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, और आपका इसके आगे और इसको एग्जाम में क्या है कि इसको थोड़ा डिफिकल्ट के लिए आपको दो की जगह तीन दे देगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, यही सेम प्रोसीजर हम उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो बटन से सीख लिए, पहला क्या है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्या है डिवीजन मेथड, दोनों मेथड से हम लोग सीख लिए, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम तीन अंकों का एच सी एफ निकालना सीखेंगे। तो किन्हीं दो को आप ले सकते हो, इसको ले लो या ये दोनों को ले लो, या ये दोनों को ले लो, या ये दोनों को ले सकते हो। तो चलिए मैं स्टार्टिंग में दो ही लेता हूं, 1100, ये कितने बार में जाएगा, पांच बार में चल जाएगा, तो पांच बार कितना चल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1020, रिमाइंडर कितना बचेगा 170। अब दोस्तों ये चीज यहां पर आ जाएगा, ये कितने बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा, अब इसको फिर लगाओ, वही सेम चीज यहां पर, ये चीज यहां पर आ जाएगा, अब कितने बार लगेगा, पांच बार में, देखो पांच बार में पूरा पूरी लग जाएगा अक्रॉस, यहां पे आपका क्या पूरा पूरी कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा,
तो यहाँ एक 34 हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया, पहला एचसीएफ हमारा आ गया। अभी क्या करना है, अभी ये इसको ले लेंगे, तो यहां मैं सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, ये आपको 1445 है, ये चार बार में चल जाएगा, आपका चार बार में कितना जाएगा, तो 136 और फिर ये आपका दो बार में जाएगा 68 भैया एक। आप दोस्तों यही चीज सेम चीज यहां पर आएगा, कट गया। तो दोस्तों फाइनली हमारा क्या आया, 17 आया, 17 आ गया, ये कट गया पूरा पूरी, आपका रिमाइंडर जीरो बचा। पहले ये दोनों को निकाले तो हमारा 34 आया, और उसके बाद ये दोनों को निकाल के 34 जो हमारा आ गया, अब इसका और इसका निकालेंगे, तो ये दोनों को जब निकाले तो हमारा कितना आ गया, 17 बार पूरा पूरी डिवाइड लग गया, मतलब हमारा एचसीएफ क्या आया फाइनल, तो एचसीएफ क्या आया हमारा 17 आ गया। तो दोस्तों 17 ही ऐसा एक नंबर है जो ये तीनों से डिवाइड लग जाएगा और सबसे बड़ा अंक है 17। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रही होगी। तो यही रहा आपका एचसीएफ, इससे आपका एचसीएफ खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं एलसीएम की तरफ चलते हैं। एलसीएम, तो एलसीएम किसको बोलते हैं दोस्तों, इसका पहले फुल फॉर्म जान लो, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल किसको बोलते हैं, तो द लीस्ट नंबर, मैं लिख देता हूं द लीस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द गिवन नंबर, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया एलसीएम का। तो क्या मैंने लिखा, द लीस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। तो दोनों में क्या है कि वो क्या एक दूसरे से आपस में डिवाइड लग जाए पूरा पूरी, और वो क्या लीस्ट नंबर है पूरा पूरी डिवाइड, एग्जैक्टली क्या मैंने लिखा, एग्जैक्टली मतलब पूरा पूरी डिवाइड लग जाए, तो उसी को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको भी दोस्तों आप लोग क्या कर, दो मेथड है, पहला क्या है नोट कर लिए, फैक्टराइजेशन मेथड से, और दूसरा आपका डिवीजन मेथड से। तो उसको हमें निकालेंगे बाद में, तो पहले हम समझ लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकाल सकते। तो चलिए इसको मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। तो जैसे रहेगा आपका क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15, 20, 27। अब पहले इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 2 into 3, यही होगा फैक्टराइजेशन, 5 to 15 क्या हो जाएगा, तो 3 into 5 यही जाएगा। अभी 20 है क्या होगा, तो 2 into 2 into 5,
27 का 3 3 × 3 यही आएगा आपका फैक्टराइजेशन, यही आपका फैक्टर निकलेगा 12 का 15 का 20 का 27 का, इससे ज्यादा तो निकलेगा नहीं। तो दोस्तों ये हमारे फैक्टर निकल गए 12 15 20 27 के, ये आपके फैक्टर निकल गए। अभी इसमें हमको दोस्तों लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सॉरी, ठीक है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, जैसे इसमें आपका 3 है 2 2 है, अभी 3 क्या है फैक्टर में बता रहा हूँ, 3 5 है 2 2 5 है या 3 3 3 है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम निकालना है, ये चीज याद रखना आपको मल्टीपल निकालना है। तो इसमें क्या है 3 × यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, 3 ले लिए। अभी 2 कितने बार है, यहाँ पर 2 बार है यहाँ पर 2 बार है और इसमें नहीं है, तो इसको 2 बार को आप ले लो 2 बार इसको, ठीक है। और उसके बाद आपका कितना है, आपको 2 तो लिया गया, लोएस्ट कॉमन ले रहे हम लोग, तो इसमें 2 तो लिया गया, अब बचा क्या, 2 भी लिया गया 3 भी लिया गया, अब बचा कितना, तो आपका 5 बचा, तो 5 अगर इसमें है इसमें है तो 1 5 ले लो, समझ में आ रहा है दोस्तों। और उसके बाद आपका 3 देखो कहां, 3 कहां, यहां पर भी था यहां पर भी था, तो 3 ये तो 3 एक 3 तो हम ले लिए तो कॉमन, तो यही 2 बचा यहां पर, तो गुना 3 × 3 इसको मल्टीप्लाई करो दोस्तों, ये आपको आएगा 540, मतलब आपका जो 540 है ये क्या है, ये अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 को 15 को 20 को 27 को, तो ये क्या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपका आएगा, ये 540 का मल्टीपल है, ये सब 12 15 20 27 सबसे कम है और इसका ये मल्टीपल है, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ये रहा आपका फैक्टराइजेशन मेथड। अब एक जो हम डिवाइड मेथड से सीखते हैं उसको भी देख लेते हैं, इसको दोस्तों आप शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हमें ये क्या करना है दोस्तों, इसको आप लोग एक रो में अरेंज कर लो, और एक ऐसा अंक चुने जो इससे सबसे ज्यादा से अंकों से डिवाइड लग जाए, तो देखो दोस्तों आपका 3 मिलेगा, 4 बार में जाएगा 5 बार में जाएगा ये जाएगा, तो इसको ऐसे उतार लो, और ये आपका 9 बार में जाएगा, फिर खोजेंगे। तो दोस्तों यहां पर अब देखो 4 4 से लगा दो, ये 5 तो जाएगा नहीं, ऐसे कैसे उतर जाएगा, ये 5 बार में जाएगा और ये भी नहीं जाएगा, तो इसको उतार देंगे। अब फिर दोस्तों 5 अभी 2 बार आ गया 5, तो 5 से लगा दो, एक बार में 9, तो ये आ गया हमारा 3 × 4 × 5 × 1 × 19, तो 1 को लिखने से कोई मतलब है नहीं, तो मैं लिख देता हूं बचा क्या, यही हमारा बचा। तो ये दोस्तों कितना आता है, जैसे मल्टीप्लाई कर लो 3 × 4 कितना हो गया 12 हो गया, और 9 × 5 कितना हो गया 45 हो गया। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो ये भी आपका उतना ही आएगा, सेम चीज आएगा आपका आंसर 540, जो इसके पहले आया था वही आपका ये भी आएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों इसमें कुछ रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है जो ये मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर HCF into their LCM। इसको दोस्तों आप लोग याद करना कि अगर पूछेगा जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपको पूछेगा, ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालिए और उसका HCF LCM दिया तो दोनों क्या आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वो निकल जाएगा, ठीक है। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन क्या आता है कि एक नंबर दिया रहेगा दूसरा नंबर आपको निकालना है और HCF LCM दिया है तो उससे निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपका HCF ऑफ
टू नंबर, ये आपका सेवन दिया हुआ है, ठीक है, और एलसीएम ये कितना दिया है 210, और इसमें क्या है वन नंबर दिया हुआ है दोस्तों, वन ऑफ देम इज आपका 35 है। ऐसे फाइंड क्या करना है, फाइंड द अदर नंबर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू क्या होता है, तो एचसीएफ ऑफ देयर नंबर और उसका एलसीएम। तो एचसीएफ ये दिया हुआ है, एलसीएम ये दिया है, एक नंबर ये दिया है, अब अगला नंबर फाइंड द अदर नंबर। तो अदर नंबर को हम लोग एक्स मान लीजिए, लेट अदर नंबर बी एक्स। अब हमको ये फॉर्मूला यूज करके यहां पर लिख देना है, तो 7 गुना 210 35 और ये गुना x, अदर नंबर ये रहा। अब फॉर्मूला बस सेट हो गया। अब 200 से काट दो, बहुत आसानी से कट जाए। जैसे आप क्या इसको डायरेक्टली आप x का निकाल ऐसे कर सकते हो कि x को इधर रख दो और 35 को यहां ला के रख दो। चलिए मैं उसको वही चीज, x बराबर क्या हो जाएगा 7 गुना 210 बटा 35, ठीक है, ये पांच बार में कट जाएगा, फिर ये कटेगा 5 × 20 और 5 × 2 = 10, तो कितना आ गया 42 आ गया। तो अदर नंबर हमारा क्या था दोस्तों, 42 आ गया, यही हमारा अदर नंबर था। तो कभी कभी क्या है दोस्तों, आपको एचसीएफ निकालना पड़ सकता है, आपका क्या है एलसीएम दिया रहेगा, दो नंबर भी दिया रहेगा और आपको एचसीएफ निकालना है। दूसरा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर समझ रहे हो मुझे। चलिए मैं एक फ्रैक्शन लिखा देता हूं, जैसे नापा 9/10, तो ये ऊपर वाला उसको बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाला क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यही चीज रहा, तो एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, समझ में आ रहा। अब क्या है कि एलसीएम निकालना जब हो सकता है तो उसमें क्या करेंगे, तो एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये दोनों बेसिक फॉर्मूला रहा दोस्तों, जिससे हम लोग एचसीएफ और एलसीएफ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यही रहा जो पूरा कॉन्सेप्ट आपका एचसीएफ और एलसीएम का, जिसके द्वारा हम लोग आपको कोई भी एग्जाम ले लो, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम लो, कोई भी बैंक, आपको एक न एक दो क्वेश्चन आपको इससे रहेगा ही, इससे जुड़े क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर आप लोग इस पे चाहते हैं कि मैं अलग से एक क्लास बनाऊं, अलग से आपको एक वीडियो डालूं जिसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो आप मुझे कमेंट कर देना। तो उसमें क्या है कि मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम का अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे। ये तो रहा बेसिक्स, इसके बाद आपका क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से अलग अलग टाइप्स के। अगर आप चाहते हो तो कमेंट पे कर दो, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आपको। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो बिल्कुल एक लाइक कर देना, अगर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दो ताकि इसका बेनिफिट वो लोग भी ले सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।